हे गाइस, तो कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है भूषण और आप मुझे देख रहे हो यूट्यूब भूषण रोड पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ ऑनलाइन स्टोरेज एंड ऑफलाइन स्टोरेज। तो गाइस, इसके बारे में हम ऐसे बात करने वाले। देखो, आपको अगर कहीं पे आपका डेटा स्टोर करना है तो आप कहाँ से करते हो? अगर आपकी पीसी की जगह खत्म हो जाती है तो आप ज्यादा से ज्यादा पेन ड्राइव लेते हो, आप हार्ड डिस्क लेते हो, ठीक है? तो इसमें आप स्टोर करते हो। अभी ऑनलाइन स्टोरेज का भी एक ऑप्शन है, वो तो शायद से आपको पता होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो वीडियो को पूरा देखो, अगर पता है फिर भी देख लो वीडियो को, है ना, काम में आएगा आगे। तो सीन देखो ऐसा है कि आप पेन ड्राइव में ले सकते हो। पेन ड्राइव को ऑब्वियसली बात है लिमिटेशन होती है, 64 GB का आप मैक्सिमम पेन ड्राइव ले सकते हो। उससे ज्यादा भी आए हैं, वैसा कुछ है नहीं, लेकिन ज्यादा भी आए हैं 8 GB, 16 GB, ऐसे अलग अलग पेन ड्राइव है। हार्ड डिस्क अगर आप लेते हो तो 1 TB, 2 TB, 4 TB की आपको हार्ड डिस्क यहाँ पे मिलती है। अभी उसी हिसाब से गाइज, यहाँ पे आप ऑनलाइन स्टोरेज भी खरीद सकते हो। ऑनलाइन स्टोरेज यानी क्या गाइज, देखिए जैसे आपके पास हार्ड डिस्क होती है ना, तो आप उसमें 1 TB का डेटा, आपको स्पेस अलॉट करके आप उसे कहीं पे भी लेकर जा सकते हो, घूम सकते हो उसे लेकर के, है ना। तो ये बेसिकली होता है। अभी सेकंड जो बात है वो है ऑनलाइन स्टोरेज, यानी कि भाई आपको हार्ड डिस्क चाहिए, आपको डेटा हार्ड डिस्क में रहेगा, आप उसे कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। ऑनलाइन स्टोरेज ये चीज होती है कि आप ऑनलाइन एक जगह पे जा करके उसे पैसे दे करके उतनी जगह आप आपके लिए रिजर्व रखोगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहीं पे कुछ जाना है, अगर आपको कोई जगह लेनी है, आपको बेसिकली कोई प्लॉट वगैरह लेना है, तो आप कैसे जाकर के उन्हें बोलते हो कि भाई ये मेरा प्लॉट है, यहाँ पे मैं अपना काम करूंगा। बस उसी तरह से ऑनलाइन अगर आपको कुछ स्टोर करना है तो आप ऑनलाइन एक स्पेस लेते हो, 1 TB की ले लो या 2 TB की ले लो, एंड आप उनको बोलोगे कि भाई ये मेरी जगह, यहाँ पे मैं अपना सामान रखूंगा, यानी आपका डेटा जो भी है वो आप वहां पे रखोगे। तो ये हो गया एक तरीका जो ऑनलाइन है, एंड दूसरा जो है ऑफलाइन। तो गाइज अभी बात कर लेते हैं इन दोनों में बेनिफिटेड या बेनिफिशियल जो बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा कौन सा हो सकता है उसके बारे में। देखो, ऑफलाइन जो आप हार्ड डिस्क वगैरह लेते हो ना, तो वो आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो, इजीली एक्सेस हो जाता है, इजीली एंड कहीं पे भी। इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब ऐसा होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी आप यहाँ पे बैठे हो, आपको आपकी 100 GB की फाइल चाहिए, तो आपको सीधा हार्ड डिस्क कनेक्ट करना है आपके लैपटॉप से, कंप्यूटर से, एंड वहां से आप सीधा एक्सेस कर सकते हो आपकी 100 GB वाली जो भी फाइल है वो। अभी आप कहीं अभी दूसरी बात करते हैं यानी कि ऑनलाइन वाले की। तो ऑनलाइन अगर आपके पास स्टोरेज है, अगर आपको उसे एक्सेस करना है 100 GB वाले फाइल को, तो आपको क्या लगेगा? आपको सबसे पहले तो लगेगा इंटरनेट, अच्छी स्पीड का इंटरनेट चाहिए, तभी आप वो आपके 100 GB वाले फाइल वहां से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अभी मतलब ये बात करते हैं कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा सबसे अच्छा बेहतरीन ऑप्शन कौन सा हो सकता है, ठीक है। देखिए, हार्ड डिस्क एक ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन है, कहीं पे भी आप लेके जा सकते हो, कहीं पे भी उसे एक्सेस कर सकते हो। सिमिलर वे में आप आपका जो ऑनलाइन स्टोरेज है वो भी कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो, बस आपको इंटरनेट की जरूरत लगती है। ये एक पॉइंट है, इंटरनेट लगेगा इसमें, आपको इंटरनेट नहीं लगता है हार्ड डिस्क में, लेकिन इसमें इंटरनेट लगता है। अच्छा स्पीड वाला इंटरनेट होगा तभी फटाफट सभी फाइल्स आप यूज कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अभी गाइस बात कर लेते हैं इसकी प्रॉब्लम्स की। तो प्रॉब्लम देखिए ऐसे हो सकता है, अगर आपका हार्ड डिस्क आपसे नीचे गिर जाता है तो भाई हार्ड डिस्क खराब हो जाता है। अगर वो वारंटी में होगा, गारंटी में होगा, तो वो आपको कुछ करके दे सकते हैं। आपका डेटा अगर लॉस होता है तो वो कंफर्म 100%, ये तो नहीं बता रहे कि पूरा 100% आपको रिकवर करके देंगे, वो ट्राई करेंगे। अगर रिकवर हुआ तो अच्छी बात है, अगर रिकवर नहीं हुआ तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपका डेटा गया। अभी ऑनलाइन स्टोरेज की बात करते हैं, तो ऑनलाइन स्टोरेज में कैसा होता है, आपका डेटा ना एक जगह पे नहीं होता। अगर आपने बोला कि मेरे को ये 1 TB का जगह चाहिए, तो वो आपके 1 TB की जगह के लिए वो 5 जगह पे अलग अलग आपका डेटा रखेंगे। मतलब आप तो लोगे 1 ही TB, लेकिन वो उनके सर्वर पे आपके लिए 5 TB का जगह रखेंगे। अभी लेकिन आपको कितना यूज मिलेगा? 1 TB, क्योंकि आपने 1 TB का दिया है, लेकिन वो 5 TB रिजर्व रखेंगे। अभी वो क्यों रखेंगे? क्योंकि गैस जब भी आप कोई ऑनलाइन स्टोर, मतलब ऑनलाइन कुछ परचेस करते हो, यानी कि अगर आप ऑनलाइन जगह कोई परचेस कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बोला ऑनलाइन स्टोरेज आपने परचेस किया, तो वो एक जगह पे नहीं रहता, यहाँ पे भी रखेगा। आपका एक फाइल अगर आप अपलोड करते हो 100 GB वाली, तो वो यहाँ पे भी रखेगी, वो उनके दूसरे सर्वर पे भी रखे, ये वाले सर्वर पे भी रखेगी, 5 अलग अलग सर्वर पे वो आपकी फाइल्स रखेंगे। मान लीजिए उनके एक सर्वर को कोई प्रॉब्लम आ जाती है, एक सर्वर में कोई दिक्कत आती है, तो वो दूसरे सर्वर से आपको एक्सेस करवा के देंगे आपकी फाइल्स। तो आपकी फाइल्स एकदम, मैं बोल सकता हूँ, 100% एक्सेसिबल रहेगी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली ऑनलाइन में। क्योंकि देखो, ये गिर गया तो गया, तो गया सभी फाइल्स गायब, लेकिन यहाँ पे कैसा है, एक सर्वर में अगर कोई गड़बड़ आ गया, दूसरे सर्वर से एक्सेस कर सकते हो, तीसरे सर्वर से एक्सेस कर सकते हो। तो ये मेन डिफरेंस होता है ऑनलाइन स्टोरेज का।
समझे गाइस, ऑफलाइन स्टोरेज भी अच्छी बात है, लेकिन अगर गलती से गिर गया तो समझो सब खत्म हो गया। यहाँ पे कैसा है, एक उनका सर्वर भी गया, इंटरनेट आपका नहीं चल रहा है, दूसरे इंटरनेट से आप एक्सेस कर सकते हो, दूसरे सर्वर से आप एक्सेस कर सकते हो, आपकी फाइल सेफ है एंड आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। तो ये बेसिकली ये डिफरेंस होता है ऑनलाइन स्टोरेज का एंड ऑफलाइन स्टोरेज का। अभी कुछ कुछ वेबसाइट्स है ना, वो वन टाइम पेमेंट पे भी चल जाता है, एक बार पैसा भर दो एंड उनका स्टोरेज आप यूज कर सकते हो, जितना चाहे अपलोड डाउनलोड कर सकते हो उनके फाइल्स से। कुछ कुछ जगह पे आपको हर मंथली पे करना पड़ता है, अगर आप 1 TB का लेते हो तो हर मंथली उनको पैसा देना पड़ता है कि भाई ये, और कुछ जगह पे एनुअली होता है, तो उस जगह के जो भी स्पेस है उस हिसाब से वो आपसे पैसा लेते हैं। और हार्ड डिस्क के केस में आपको बस एक ही बार पेमेंट करना होता है एंड वो आपके पास रहता है। अगर मान लीजिए 5,000 का हार्ड डिस्क है तो वो एक ही बार आपको पैसा देना है, आप 2-3 साल तक यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऑनलाइन स्टोरेज लेते हो, अगर उनका है 5,000 रुपये ऑनलाइन स्टोरेज का, तो इस साल 5,000, अगले वाले साल 5,000, अगले वाले साल 5,000, ऐसा भी देना पड़ सकता है, क्योंकि भाई वो आपके डेटा को सेफ रखते हैं। जैसा मैंने बोला, अगर ये गिर गया तो नहीं मिलने वाला, अगर वहां से कुछ गायब हो गया तो वो दूसरे सर्वर से एक्सेस करके आपको आपका डेटा देंगे। तो अभी आपके लिए, आपके ऊपर है, आपके लिए आपका डेटा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर ऑनलाइन स्टोरेज आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अगर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला डेटा नहीं है, बस आप फोटोज वीडियोज वगैरह ऐसा रख रहे हो जो चले भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप हार्ड डिस्क में रख सकते हो। तो ये तो आपके लिए ऊपर है गाइस, आपको कौन सा चूज करना है। ठीक है, तो गाइस अगर अभी तक आपने ये वीडियो देखा है ना, तो जरूर से यार वीडियो को लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना एंड आपके दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर भी कर दो, ताकि उन्हें भी पता चलना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या क्या चीजें होती है ऑनलाइन स्टोरेज एंड ऑफलाइन स्टोरेज में। एंड आपको पता है मैं कहाँ पे हूँ, मैं गाड़ी में बैठा हूँ ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि बाहर काफी ज्यादा आवाज आती है। ये शायद से मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, ये वाले वीडियो में भी बता देता हूँ। एंड अब काफी ज्यादा स्वेटिंग होने लग गई क्योंकि कांच वगैरह सब बंद है, इसलिए शांत से मैं वीडियो कर रहा हूँ ताकि आपको ऑडियो क्लियर आ पाए। ठीक है, तो जरूर से वीडियो को लाइक दे देना, अगर आपको पसंद आता है तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड मैं आप सभी को मिलता हूँ अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया, अगर अभी भी कुछ समझ नहीं आता है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं जरूर से आपके कमेंट्स के आंसर देने की कोशिश करूंगा। एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो अगर अभी तक फॉलो नहीं किए हो तो। ठीक है, धन्यवाद।